हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज हम फिर से क्लास टेंथ के मैथ्स की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समानांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ क्वेश्चन किए भी थे। तो जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और बेल आइकन को बजा लेंगे। और जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग 5.1 के ही क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए थे जिसकी किए, और आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आया? चलिए जरा सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा सर क्या कह रहा है। समझे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम पद, क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम पद लिखिए जबकि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। इसमें कह रहा है कि आपको एक एपी का, देखिए इसमें आपको दे दिया गया है, कह रहा है कि एक एपी है जिसमें आपको प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दे दिया गया है, तो उसके और 4 पद निकालने हैं। क्या निकालने हैं? और उसके 4 पद निकालने हैं। तो चलिए जरा सर, तो प्रथम पद का मतलब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा बता रहे आपको, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, ठीक है, तृतीय पद, ये सब क्या होता है जरा सा इसको जान लेंगे, और सार्व अंतर क्या होता है जैसा इसको भी जान लेंगे। समझ पा रहे ना? तो देखिए, अगर हम कोई भी समानांतर श्रेणी ले रहे हैं, देखिए तो मान लीजिए यहां पर हो गया क्या, तो ये 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आगे और जाएगा ना। तो ये देखिए, ये प्रथम, यहां से अगर हम चलना शुरू किए तो ये पहली बार आया 2 ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ये सबके सब पद हैं, अगर पहले मिलेगा तो क्या बोलेंगे इसको? प्रथम पद। समझ पाए? अगर दूसरे स्थान पे मिले तो क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। और तीसरे स्थान पर मिले तो तृतीय पद, और इसी तरह से आगे की तरफ चलते जाएंगे। तो प्रथम पद को हम ए कह दीजिए या A1 कह दीजिए, A1 से सूचित किया जाता है, द्वितीय पद को A2 से सूचित किया जाता है, और तृतीय पद को आपका A3 से, फिर आगे A4। समझ पा रहे? जैसे मैं देखिए, इसमें देखिए ये समानांतर श्रेणी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या AP है, इसमें A1 का वैल्यू क्या दिया है? 2। ये A2 का वैल्यू क्या दिया है? 4। A3 का वैल्यू क्या दिया? 6। और A4 का वैल्यू क्या दिया? 8। और A5 का वैल्यू क्या दिया है? 10 दिया है। समझ पा रहे ना? इस तरह से और आगे हो सकता है ना, हो सकता है। तो अब देखिए, ये समझ गए पद क्या होता है, प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है, चतुर्थ पद क्या है। समझ में? अब एक आया यहाँ पे सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर? तो सार्व अंतर ये समझ लीजिए कि ये जो भी पद है ना, इनके दो गो, देखिए ये दो गो है ना, ये दो गो या फिर ये दो गो या फिर ये दो गो, कोई भी दो गो लगातार पद लीजिए और उनके बीच के अंतर को, उनके बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। जिससे देखिए, इसको डी से सूचित किया जाता है, किससे? तो डी से। तो हम कह सकते हैं कि डी निकालने का मतलब क्या, कि अगला पद माइनस पिछला पद। ये देखिए, इसका सूत्र भी होता है, देखिए क्या सार्व अंतर निकालने के लिए, अगला पद, ठीक है, माइनस पिछला पद। समझ पा रहे? अगला पद माइनस पिछला पद, ये कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो क्या आएगा आपका? सार्व अंतर आएगा। समझ पा रहे ना? सार्व अंतर। या फिर आपको छोटे से तौर में ये कह सकते हैं कि ये अगला पद आपका देखिए A2 है, और ये देखिए अगला पद क्या है, ये 10,000 है तो आगे ये है ना, तो अगला पद A2, और पिछला पद क्या है? A1 ना, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या, हम D कह सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगला पद एक आपका A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि A, देखिए A4 माइनस A3 इक्वल टू D। मतलब सार्व अंतर निकालने हैं तो कोई भी अगला पद, जैसे कि A6 पद में से A5 पद घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका? D निकलेगा, मतलब सार्व अंतर निकलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ गए ना? चलिए सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन में आपका दे रहा है कि एपी के कुछ पद दिए गए हैं, समझे ना, अब उसमें आगे का और 4 पद निकालना है। दिया क्या क्या जा सके देख लीजिए, ये दिया है दूसरा का एक नंबर में कि ए का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो ए का वैल्यू दे दिया आपका 10, और डी का वैल्यू क्या दिया है? 10। समझ पाए ना? इसमें कह रहा
कह रहा कि प्रथम पद मतलब कि ए का वैल्यू आपका क्या दिया है, 10 दे दिया है, और डी का वैल्यू भी क्या दे दिया है, 10 दिया है। समझ पाए ना? तो इसमें कहने का मतलब है कि और चार गो आगे का पद निकालिए, मतलब ये कह दीजिए कि आपका ए टू, अगर ये ए वन है तो ए टू निकालिए, ठीक है, ये ए थ्री निकालिए और ए फोर निकालिए और ए फाइव निकालिए। इन सब की क्या निकालने हैं, वैल्यू निकालने हैं कि ए टू के कितने, ए टू के मान कितने होंगे, ए थ्री के मान कितने होंगे, ए फोर के मान कितने होंगे और ए फाइव के मान कितने होंगे, ये सब आगे का पद निकालना है। तो देखिए जरा सा कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको देखेंगे। ये देखिएगा सूत्र आपको खुद से बना, देखिए हम सभी जानते हैं कि ए टू माइनस ए वन बराबर क्या होता है, डी होता है ना, अगला पद माइनस पिछला पद बराबर सारा अंतर मतलब डी, क्लियर हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए टू बराबर में ये डी, इधर ए वन माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो डी प्लस में क्या ए वन, कह सकते कि नहीं, कह सकते हैं ना। अगर आपको ए तीसरा पद निकालना है तो देखिए ये ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी होगा, होगा ना, एक ये मान ला अगला पद निकालने का सूत्र हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखिए तो यहां पर ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी होगा, डी का मान होगा ना, तो ये ए थ्री इक्वल टू ये देखिए डी, इधर ए टू माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये आपका हो गया प्लस में ए टू, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये आपका इसी तरह से आपका मान लीजिए ए फोर पद निकालना है तो ए फोर माइनस ए टू इक्वल टू डी होता है अगला पद माइनस सॉरी थ्री, अगला पद माइनस पिछला पद बराबर सारांतर डी, क्लियर हो गया। तो ए फोर पद निकालना है तो डी आप प्लस में क्या निकाल, देखिए प्लस में इधर माइनस में है ना ये थ्री, उधर जाएगा तो प्लस में, तो एक आपका सूत्र इस तरह से सूत्र बन रहा है। कैसे आप समझ पा रहे हैं, ये कैसे ट्रिक बन पा रहा है, आप समझ पा रहे हैं इस बातों को? तो अब देखिएगा सर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको ए, देखिए अगर ए दूसरा पद निकालना है, ए टू मतलब दूसरा पद निकालना है तो पहला पद में डी जोड़ दीजिए, अगर ए देखिए ए तीसरा पद निकालना है तो ए देखिए तीसरा पद निकालना है तो ये कुछ नहीं चुपचाप दूसरा पद में डी जोड़ दीजिए, या फिर ए चौथा पद निकालना है तो एक कम, चौथा पद निकालना है तो एक कम मतलब तीसरा पद ना उसमें क्या करेंगे डी को जोड़ देंगे। समझ पा रहे, ये भी आप कर सकते हैं, क्लियर हो गया। आपको जैसे मर्जी करे आप वैसे बना सकते हैं। तो खैर देखिए हम बना रहे हैं, हम बना के आपको दिखा रहे हैं, हमें देखिएगा इसमें ए टू का ए थ्री का ए फोर का और ए फाइव का मान निकालना है। तो ए टू का देखिए ए टू माइनस ए वन इक्वल टू डी होता है तो ए टू इक्वल टू डी, ठीक है ना, यहाँ पर ये ए वन है, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू डी है ना, तो ये डी है तो डी इधर ए वन माइनस में हो जाएगा तो प्लस में आपका ए वन हो गया, तो ए टू इक्वल टू डी का वैल्यू क्या दिया आपका 10, तो 10 रख लिया ना, और फिर ए वन का वैल्यू क्या है तो ये प्लस है तो प्लस, ए वन का वैल्यू आपका भी 10, तो हम कह सकते हैं कि ए टू का वैल्यू क्या आपका 10 10 20, एक ये आपका पद हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया ना। अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, ए थ्री निकालना है कि नहीं, तो हम जानते हैं कि ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी होता है तो ए थ्री इक्वल टू देखिए ये डी है, अब माइनस में इधर ए टू है उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम लिख सकते हैं प्लस में ए टू लिख सकते हैं ना, तो ए थ्री इक्वल टू डी का मान क्या है आपका तो 10 है ना, और ये प्लस है तो प्लस, और देखिए ए टू है ना यहाँ पे तो ए टू का मान क्या आया है 20, तो यहाँ पर लिख दिए 20, तो ए थ्री का मान क्या आ गया आपका 30 आया, आया कि नहीं आया, समझ पा रहे ना। इस तरह से अगर आप और निकालिएगा, अभी तो दो ही पद निकाले, और दो पद निकालने हैं ना, तो और दो पद निकालेंगे तो देखिए जरा सर ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल टू डी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो ए फोर इक्वल टू डी प्लस में ए थ्री होगा, यहाँ पे इधर है माइनस में ए थ्री उधर गया तो प्लस में आ गया ना, तो ए फोर इक्वल टू कह सकते हैं डी का वैल्यू क्या है 10 है ना, ये प्लस है तो प्लस, ए थ्री का मान देखिए क्या है तो ए थ्री का मान कितना है 30 आया है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए फोर इक्वल टू 30 और 10 कितना 40 हो गया, हो गया ना। या फिर ए फाइव का देख लीजिए, अब ए फाइव का देखिए तो ए फाइव माइनस ए फोर इक्वल टू डी होगा, तो ए फाइव बराबर डी इधर किस चीज में है, देखिए डी इधर प्लस में तो उधर उधर है ना बराबर के, लेकिन ए फोर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो लिख सकते हैं डी प्लस में ए फोर, तो ए फाइव इक्वल टू डी का देखिए डी का मान कितना है 10 दिया है ना आपके क्वेश्चन में ही, और प्लस है तो प्लस, ए फोर का मान कितना आया है तो 40, तो ये 40 हो गया ना, तो ये लिख सकते हैं कि ए फाइव इक्वल टू 40 10 कितना 50, तो
तो ये हो गया कि नहीं आपका आंसर, समझ पा रहे हैं? ये सबके सब आंसर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि ए पी, देखिए ए पी इजकल टू, देखिए ये टेन है ना प्रथम पद, ये द्वितीय पद आ क्या 20 आ गया, तृतीय पद आपका देखिए 30 आ गया, चतुर्थ पद आपका देखिए तो 40 आ गया, फिर इस तरह से 50 और फिर आगे जाता रहेगा, इस तरह से बनेगा ना, तो ये आपका ए पी प्राप्त हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आप एक ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमने सूत्र को बनाया, आपको निकालना क्या है, तो दूसरा पद पहला पद आपका दिया है ना, दिया है, और दूसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालना, चौथा पद निकालना, पांचवा पद निकालना है। तो यहाँ पर दूसरा पद निकालना है, तो ये देखिए पहला पद में डी जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो पहला पद आपका दिया है 10 और 10 में आपका डी का मान दिया है 10, तो जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा, ये ए टू का मान 20 आएगा कि नहीं आएगा। फिर आपका तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, तीसरा पद निकालना है तो पहले माने इससे एक कम कौन सा पद है, तो दूसरा पद है, और दूसरे पद में डी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए तो तीसरा पद है ना, तो इससे कम ए टू होगा, तो ए टू प्लस में डी, ए टू का मान क्या निकला 20, अब प्लस में 10 बराबर में क्या 30, समझ पा रहे हैं? फिर आपका ए फोर निकालना है ना, तो ए फोर ये है, तो इससे कम पद क्या है, तो ए थ्री है, तो ए थ्री प्लस में डी, तो ए थ्री का मान क्या है आपका, क्या है सॉरी, ए थ्री का मान आपका क्या है 30 आया ना जी, यहाँ पे 30 आया है, तो यहाँ पर 30 आप प्लस में डी का मान क्या दिया है, बुक में ही दिया आपका 10, तो क्या हो गया आपका 40, ए फोर का मान क्या आ गया 40 आ गया। ए फाइव का मान निकालना है, तो पांचवा पद निकालना, तो कुछ नहीं पांचवा पद निकालना, तो चौथा पद में डी जोड़ दीजिए, अगर छठवा पद निकालना है आपको तो पांचवें पद में डी जोड़ दीजिए, दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में डी जोड़ दीजिए, तीसरा पद आपका निकालना है तो दूसरे पद में, मतलब एक कम में करके डी जोड़ देना है, समझ पा रहे, एक कम वाले पद में। तो पांचवा पद निकालना है, तो चौथे पद में क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे ना, तो देखिए ए फाइव इसका चौथा पद कितना है 40, तो 40 और प्लस में 10 क्या हो गया आपका 50, ए पांचवा पद कितना गया तो 50, समझ पा रहे इस तरह से। ये आप जो मर्जी करें, ये आप इस पर बनाइए या फिर इस पर बनाइए, आप दोनों में से किस पर किसी पर भी आप बना सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, दो जल्दी से इसको उतारिए जरा सर, चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तब तक अगला क्वेश्चन देखा जाए, धीरे धीरे हो गया क्या, हो गया ना, चलिए साफ कर रहे इसको, साफ कर दे, इसमें और क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, आप बना लीजिएगा, अगर नहीं आएगा या फिर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा, जो भी डाउट होंगे ना वो कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि ये चीजें नहीं समझ में आई, यहाँ डाउट है थोड़ा सा, ये कैसे हुआ, आप लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हमको देख लेंगे और उस पर आपका एक डाउट का अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये टू नंबर का पहला हो गया, अब इसमें और क्वेश्चन आपको दिया है, आप बना लीजिएगा। अब थ्री नंबर देखिए, थ्री नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वांतर लिखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, अब एपी दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एपी दे दिया गया, और इसमें कह रहा कि आप प्रथम पद बताइए क्या है, मतलब कौन सा है प्रथम पद, और सार्वांतर कितना है आपको ये भी बताना है, दो चीजें बताना है, एक बताना है आपका प्रथम पद मतलब A1 बताना है, और दूसरा अगर आपका सार्वांतर मतलब D बताना है, क्लियर हो गया। तो थ्री नंबर का हम लोग पहला देखेंगे, समझे ना, थ्री नंबर का पहला, तो थ्री नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, कह रहा है देखिए थ्री यहां पर दिया है 3, 1, -1 और आपका दे रहा क्या -3, समझे, इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया गया, दे दिया गया ना 3, 1, -1, -3, समझ पा रहे ना, -3, -1 डॉट, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये एपी है आपका, ठीक है ना, ये क्या है, ये एपी दिया गया है, अब इसमें आपको प्रथम पद बताना है और सारा आंसर बताना है, क्लियर हो गया। तो प्रथम पद का मतलब कि पहले ही जो मिलेगा ना, हम एपी में मान लीजिए यहाँ से शुरू किए चलना, यहाँ से शुरू किए चलना, तो जो पहले ही मिला, तो पहले कौन मिला, थ्री मिला, तो पहले ही जो मिलेगा वही तो प्रथम पद कहलाएगा ना जी, वही कहलाएगा ना। देखिए जरा सर ये ए, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है कि नहीं है, तो हम ए वन को ही देखिए, ए वन को ही क्या प्रथम पद बोलते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रथम पद, देखिए प्रथम पद मतलब ए वन इज इक्वल टू क्या थ्री,
प्रथम पद तो हम लोग जान गए कितना है इसमें, तो 3 है ना। अब देखेंगे किसको, तो अब हमको रहा बात सार्व अंतर का, किसका, सार्व अंतर का, समझ पा रहे हैं। तो देखिए सार्व अंतर हम बताए हैं क्या कि अगला पद माइनस पिछला पद, सार्व अंतर बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद होता है ना, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद देखिए, या फिर ये कह दीजिए कि d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, या ए थ्री माइनस ए टू, या चौथे पद माइनस तीसरे पद, पांचवें पद माइनस चौथे पद, कुछ भी अगर आगे वाले से पीछे वाले पद को घटाइएगा तो आपका सार्व अंतर निकलेगा। तो d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन लिखिए, तो ए टू का वैल्यू क्या है आपका 1 है कि नहीं है, समझ पा रहे। और देखिए a1 का वैल्यू क्या है आपका 3, माइनस है तो माइनस, और a1 का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिए। तो 1 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू क्या, माइनस 2, मतलब सार्व अंतर, यहाँ पर लिखना है तो हिंदी में लिख दीजिए कि सार्व अंतर आपका कितना गया, कितना गया, तो माइनस 2 आ गया। क्लियर हो गया, एक ये भी आपका आंसर, यही दो चीजें पूछ रहा है ना, यही दो चीजें, क्लियर हो गया इसमें। और बता दे क्या, और बता दे कोई, और देखिए जरा सा, इसमें तीन नंबर क्वेश्चन जरा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आप लोगों को, देखिए उसको भी बता रहे हैं थोड़ा सा, देख लीजिए तीन नंबर, ये तो एक नंबर है ना, इसको उतार लिए क्या, उतार लीजिए जरा सा, यस यही पूछ रहे इसमें कि प्रथम पद कौन है, तो प्रथम पद 3 है, और सार्व अंतर कौन है, तो माइनस 2 है, तो माइनस 2 है। क्लियर हो गया, चलिए जल्दी से उतारिए, उतारिए जल्दी से इसको। चलिए अब जरा सा आगे चले, साफ कर दी इसको, चलिए। और एक इसमें देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा, तो उसको थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं, बाकी आप खुद से थोड़ा सा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, समझे। चलिए अब देखिए जरा सा, तो थ्री नंबर में दे रहा है, देखिए जरा सा क्या, 1/3, ठीक है ना, 1/3, 5/3, 9/3, ठीक है ना, 1/3, 5/3, 9/3, और 13/3, समझे। और इस तरह से डॉट 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 दे दिया, ये क्वेश्चन रहा आपका, ए बी दे दिया गया, और इसमें भी कह रहा आप क्या कीजिए, तो इसमें भी कह रहा कि आप प्रथम पद बताइए कि क्या है और सार्व अंतर क्या है ये बताइए। क्लियर हो गया जरा सर, तो अब देखिए जरा सर, तो पहले यहाँ देखिए, तो प्रथम में कौन है, 1/3 है ना, और 1/3 है कि नहीं है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए ये आपका A1, ये A2, ये A3, A4 है कि नहीं है, है ना जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद A1 इसका टू क्या, 1/3, ये तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरा थोड़ा सा सार्व अंतर में दिक्कत होगा ना, तो कुछ नहीं दिक्कत होगा, देखिए सार्व अंतर केवल इधर ध्यान से देखिएगा, देखिए सार्व अंतर बराबर क्या होता है, तो अगला पद क्या होता है, अगला पद माइनस क्या होता है, तो पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, या फिर d इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, यही होता है कि नहीं होता है। तो ए टू का वैल्यू यहां पर क्या दिया आपका, 5/3, हाँ क्या दिया यहाँ पे, 5/3 माइनस A1 का वैल्यू क्या दिया है, 1/3, समझ पाए इस बातों को। तो इसमें से इसको घटाएंगे, बटा पर देखिए घटाओ है कि नहीं है, है कि नहीं, तो 3 का और 3 कैल्शियम लेंगे तो 3 आएगा, और इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार में घटेगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, ये माइनस है तो माइनस हो गया। अब ये 3 से इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे इस 3 से इसमें, तो 1 बार में कटेगा, और उसी 1 से हम 1 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 आएगा, तो 5 में से माइनस 1, देखिए 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4/3, मतलब d का वैल्यू क्या आ गया, 4/3। ये देखिए सार्व अंतर कितना आ गया, सार्व अंतर का मान कितना गया, 4/3। क्लियर हो गया इस बातों को, अब देखिएगा जरा सा, अब देखिए अगर देखिए यहाँ पे आप बार बार थोड़ा सा मन में सोच रहे कि क्या हम हमेशा d में a2 माइनस a1 से ही घटाएंगे क्या, नहीं ऐसी कुछ बातें नहीं होती है। हम क्या बोले हैं कि a2 में से a1 नहीं, अगले पद में से पिछले पद, तो आप a4 में से a3 को भी घटा सकते हैं, या फिर a3 में से a2 को भी। इधर देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पर a3 माइनस a2, देखिए यहाँ पर इसको घटा के थोड़ा सा देख लिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए d इज इक्वल टू a3 माइनस a2
करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो ए थ्री देखिए, ए थ्री का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 9/3 है, माइनस है तो माइनस। ए टू का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5/3 है कि नहीं है, समझ पाए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखिए पट्टा पर भी घटाव करेंगे, तो 3 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, मतलब 3 होगा, और 3 से इस 3 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में कटेगा ना, और 1 से मल्टीप्लाई 9 में कीजिएगा तो 9 ही आएगा। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, ये फिर 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, और 1 से आप क्या कीजिएगा 5 में मल्टीप्लाई तो 5 ही आएगा। तो 9 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 4, और नीचे क्या है 3। तो देखिए यहाँ भी हमने चेक किए तो D का वैल्यू क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ भी हमने चेक किया तो D का वैल्यू क्या आ रहा है, 4/3। मतलब सार व अंतर देखिए सब जगह आप यहाँ चेक कीजिएगा, देखिए इन दोनों के बीच आप चेक कीजिए, या इन दोनों के बीच, या इन दोनों के बीच आप कहीं भी चेक कीजिएगा तो आपका 4/3 और 4/3 ही आएगा। समझ पा रहे, क्लियर हो गया जरा सा, चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए इसको, और इसमें दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, जरा सा उसको बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साफ कर दे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। चलिए जरा सा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुछ नहीं है, बस इसी से रिलेटेड है वो, कुछ नहीं है उसमें भी, केवल आप ध्यान से देखते रहिए, समझे ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा, देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, समझे, यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, क्या कीजिए 3 पद और लिखिए, जरा सा क्वेश्चन को समझ लेंगे। कह रहा कि यदि कौन एपी है ये चेक करना है, समझ पा रहे, अगर एपी है समझ रहे हैं, तो उसका सार व अंतर लिखिए और प्रथम पद क्या लिखिए, सार व अंतर लिखिए, समझ पा रहे, सार व अंतर ज्ञात कीजिए या लिखिए, और उसके 3 पद और आगे का लिखिए, समझ पा रहे ना। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका एपी दे दिया गया, ठीक है ना, अब दिया गया है नीचे, अब आपको चेक करना है खुद से कि वो एपी है कि नहीं है। अगर वो एपी है तो आप उसका सार व अंतर बताइए और साथ ही साथ 3 और आगे का पद लिख लीजिए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं, समझ पाए ना। तो देखिए जरा सा 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 1 नंबर दरअसल देखेंगे, समझ पा रहे ना। तो देखिए आपका दिया है क्या, इसमें दिया 2, देखिए ये 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है और 16 दिया है, और इसी तरह से दिया है, समझ पा रहे। तो पहले हम ये समझेंगे कि किसको एपी कहा जाता है, कैसे समझेंगे कि वो एपी है कि नहीं है, समझ पा रहे ना। तो अब देखिए ये देखिए जरा सा, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से जाएगा, समझे। तो अगर A2 के और A1 के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, D कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यहाँ भी A3 और A2 के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, D। यहाँ भी A4 और A3 के अंतर बीच के अंतर को क्या कहेंगे, D। तो ये देखिए अगर D का वैल्यू सब जगह इक्वल हुआ, मतलब सब जगह समान हुआ, एक बराबर आएगा, तो वो मेरा सार मतलब एपी है, मतलब समानांतर श्रेणी है, नहीं आया तो समानांतर श्रेणी नहीं है। ये सारा के सारा बातें हमने ये फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिए हैं, हालांकि फिर से इसको देख लीजिए। एक और जरा आप एग्जांपल में देख लीजिए कि अगर ये 3 दे दिया, 6 दे दिया, समझे, 9 दे दिया, 12 दे दिया, तो ये देखिए तो इन सब के बीच के अंतर कितने हैं, कितने हैं, देखिए 3, 6, इसके बीच में अंतर कितना है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इस तरह से ये क्या है, ये एपी है ना जी। अगर इक्वल है सब जगह, देखिए दोनों पदों मतलब पदों के बीच के अंतर को सार व अंतर कहते हैं, अगर पद के बीच का अंतर इक्वल है तो वो सार व अंतर है, और नहीं है तो वो सार व अंतर नहीं है, समझ पाए क्या। यहां तक किसी को डाउट है, समझ पाए। तो यही देखिए 1 नंबर चेक करना है, अब हम चेक करेंगे कि वो देखिए एपी है कि नहीं है। अगर वो एपी है तो आगे का और 3 पद लिखेंगे, नहीं है तो एपी का आगे का और 3 पद नहीं लिखेंगे। चलिए तो देखिए दरअसल, तो अब देखिए हम इसको A1 कह सकते हैं, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 कह सकते हैं ना। तो हम ये देखिए जरा सा, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू
डी होगा या फिर ए थ्री, देखिए या फिर ये कह दीजिए कि ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी होगा, या फिर ये कह दीजिए कि ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल टू डी होगा, होगा ना। तो देखिए तो ए टू माइनस ए वन मतलब इन दोनों के बीच के अंतर को पहले देखेंगे, तो ए टू का वैल्यू क्या है, ये फोर है, और ए वन का वैल्यू क्या है, तो टू। तो देखिए फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर तो टू आ गया, आ गया। इसमें भी चेक करेंगे तो देखिए टू आ रहा है कि नहीं जरा सा, तो ए थ्री का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक है कि नहीं, और माइनस है तो माइनस, ए टू का वैल्यू क्या दिया, फोर दिया है। तो ये देखिए एट में से फोर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फोर। तो देखिए यहीं पे डिफरेंस पता चल गया, यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पर फोर आ रहा है, तो ये एपी है क्या, नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो इसको भी चेक कर लीजिए, तो ए फोर का वैल्यू क्या है, सिक्सटीन, तो सिक्सटीन मतलब सोलह हो गया ना, और ये माइनस है तो माइनस, ए थ्री का वैल्यू क्या है, एट है, तो यहाँ पर एट हो गया, मतलब सिक्सटीन में से एट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एट आएगा। मतलब यहाँ पर डी का वैल्यू टू आ रहा है, यहाँ पर डी का वैल्यू फोर आ रहा है, और यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आ रहा है, एट आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है क्या, नहीं ना। तो ये कह सकते हैं कि ये ए पी नहीं है, समझ पाए इस तरह से, क्लियर हो गया, दिक्कत किसी को समझे तो जल्दी से इसको उतारना है तो उतार लीजिए, ये ए पी नहीं है आपका। अगर ए पी होता तो हम आगे का और भी क्या करते हैं, तीन पद लिखेंगे और उसमें डी भी मतलब सार व अंतर भी बताएंगे, क्लियर हो गया। चलिए उतार लिए क्या इसको, इसको उतार लिए, चलिए इसको साफ किया जाए, क्लियर हो गया। चलिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखिए अब हम लोग एक और देख ले, इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा, टू नंबर देख लीजिए, इसमें टू नंबर देखिए, इसका ये टू नंबर, टू नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिया है आपका टू दिया है, यहाँ पर क्या दिया है टू, फिर फाइव बाई टू दिया है, क्या दिया है यहाँ पर टू दिया है, फिर फाइव बाई आपका टू दिया है, और फिर क्या दिया है आपका, तो थ्री दिया है ना, यहाँ पर थ्री दे दिया, फिर क्या दिया सेवन बाई टू, सेवन बाई टू, और इस तरह से डॉट डॉट दिया। तो ये इसमें आप लोग देखिए, हम लोग वन नंबर में पता किए कि वो एपी है कि नहीं है, तो पता की तो एपी नहीं था, समझ पा रहे, इसका भी हम लोग पता करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है, अगर एपी है तो इसका सार व अंतर बताएंगे, समझ पा रहे, और क्या करेंगे आगे का तीन पद और बताएंगे, क्लियर हो गया। तो चलिए जरा सा इसको देखिए, जरा सा ध्यान से देखिए, ये इसको हम ए वन कह सकते हैं, इसको ए टू कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं ए थ्री, और इसको ए फोर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए टू, देखिए ए टू माइनस ए वन इक्वल टू डी कह सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ए टू का वैल्यू क्या है फाइव बाई टू, तो फाइव बाई टू हो गया क्या, हो गया। फिर यहां पर माइनस है तो माइनस, ए वन का वैल्यू टू है तो यहां पर टू इक्वल टू डी। तो देखिए टू के नीचे यहां पर वन छुपा है कि नहीं छुपा है, किसी भी संख्या को अगर आप लिखिएगा फाइव तो नीचे वन छुपा रहता है, ये देखिए फोर तो इसके नीचे वन छुपा रहता है, समझ पा रहे। और कैसे छुपा रहता है ये कभी बता देंगे आपको, कोई दिक्कत है। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, ये फोर बाई वन का मतलब या फिर फोर बाई टू का मतलब क्या होता है कि टू से फोर में डिवाइड, समझ पा रहे। तो टू से फोर में डिवाइड करेंगे तो ये देखिए टू आएगा कि नहीं कट के, तो ये फोर बाई वन का मतलब कि वन से फोर में डिवाइड, तो वन से अगर हम फोर में डिवाइड करेंगे तो वन फोर जो फोर, तो ये फोर ही आएगा ना, तो फोर बाई वन लिखिए या फिर फोर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, तो अब देखिए टू और वन का हम क्या करेंगे, बटाफट की घटाओ करेंगे, तो ये क्या आ गया टू आ गया, आ गया। फिर ये टू से टू में डिवाइड करेंगे तो वन बार में कटेगा, और वन से फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव आएगा, आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब वन से इसमें करेंगे तो वन से हम टू में क्या किए डिवाइड किए तो टू बार में कटेगा, और टू से टू में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया फोर, फाइव में से फोर को माइनस किए तो वन, नीचे टू है तो टू। मतलब ये कह सकते हैं कि डी का वैल्यू क्या आ गया आपका वन बाई टू, कितना आ गया आपका तो वन बाई टू। तो यहाँ तो डी का वैल्यू वन बाई टू, अगर आगे वाला में भी हम पता करेंगे, अगर वन बाई टू आ रहा है तो ये एपी है, नहीं आ रहा तो नहीं है। चलिए अब देखिए जरा सर, तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू डी, लिखेंगे ना, लिखेंगे। तो ए टू देखिए, ए थ्री का वैल्यू क्या है थ्री है, माइनस है तो माइनस, ए टू का वैल्यू क्या है फाइव बाई टू है कि नहीं। यहाँ पर हम वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, छुपा रहता है वन, तो टू का और वन का यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे तो क्या करेंगे, फटाफट घटाओ, तो वन का और टू का एलसीएम लेंगे तो टू आएगा,
और 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस, 2 से इस 2 में क्या करेंगे भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 से 5 में करेंगे तो 5, मतलब कि 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/2। तो आप देखिए जरा सा कि यहां भी देखिए तो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोगों ने दो जगह चेक किए, इसके देखिए इसके बीच और इसके बीच तो 1/2 ही आ गया, आप आगे भी चेक कर लीजिएगा 1/2 ही आएगा, समझ पा रहे ना। तो अब देखिए हम कह सकते हैं इसमें कि सार और अंतर क्या है, बराबर है कि नहीं, तो बराबर है तो ये एपी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप कि सार व अंतर, ये पूछ रहा है कि सार व अंतर क्या होगा इसका, तो सार व अंतर ये 1/2 आया कि नहीं आया, आया ना जी आया। तो अब ये कह रहा था कि अगर सार व अंतर इसका बराबर है, मतलब ये एपी है, तो आप आगे का तीन पद और लिखिए, समझ पा रहे, तो आगे का तीन पद का मतलब ये A4 है ना, तो आप A5 लिखिए और A6 लिखिए, समझे, और A7 लिखिए, यही लिखना है, इन्हीं सब का मान निकालना है। तो A5 मतलब पांचवा पद पूछ रहा है, तो चौथा पद में D को जोड़ देते हैं, तो देखिए चौथा पद क्या है आपका, तो 7/2 है ना जी, है ना, ये देखिए हम बताए हैं ना कि आप पांचवा पद निकालना है तो चौथा पद में D को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो चौथा पद कितना है 7/2 है कि नहीं है, और इसमें किसको जोड़ना है D को, तो D का मान क्या है 1/2, तो ये 2 और 2 कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा ना, और ये 7 है तो ऊपर में 7, 1 है तो ये 1, मतलब 8/ आपका क्या आएगा 2, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो ये 4 आ जाएगा ना, समझ पा रहे इस बातों को। फिर A6 निकालना है, तो मतलब छठा पद निकालना है ना, तो छठा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पांचवा पद में D को जोड़ेंगे, तो पांचवा पद क्या है मेरा, तो 4 है, D का वैल्यू क्या है 1/2, इसके नीचे 1 रखेंगे, तो इन दोनों को अगर हम बटा पर के जोड़ करेंगे तो 2 का 2, और इसमें से सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए 2 का 2, इसमें से इसमें करेंगे डिवाइड तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा के प्लस है तो प्लस, ये 2 से 2 में करेंगे डिवाइड तो 1 बार में, 1 से 1 तो 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 9/2, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो 9/2 हो गया, समझ पा रहे A6 का वैल्यू। फिर A7 का निकालेंगे तो देखिए 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, इस तरह से आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ, ये इसमें किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है कहीं नहीं ना, तो चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, और बस आज आपका 5.1 पूरा खत्म हो गया, समझे। और इसमें क्वेश्चन है जो आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, या फिर ये क्वेश्चन में डाउट है, आप फिर से बता दीजिए, तो हम एक वीडियो स्पेशलिस्ट बना देंगे उस पर डाउट पर, क्लियर है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और समझ में हम कहेंगे अगर आ गया है तो ये वीडियो अब तक बिल्कुल फ्री है और ये हमेशा जाएगा, समझ पाए, तो इस तरह से आप चुपचाप फ्री में पढ़ते रहिए, समझे, और मेरे वीडियो को बस केवल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ना उन बच्चों को थोड़ा सा बताइए, समझे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।